Hello, good evening students. How are you all? I hope you all are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am, Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel, Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel, Usha Classes, and press the bell icon button so that you will get the latest notifications. Okay? So in today class we are going to continue your alphabet series topic. Yes, so please focus on the board. Let's start the class. In alphabet series we have solved a number of questions in the previous class. So today we will continue this topic so that you will get the more practice questions and you get the more ideas about how to solve the alphabet series questions, right? So this is the question number 4 we are going to solve here. So in this question we have given A D E H I L. और मैंने आप सभी को बता रखा है, I have already told you that how to solve the questions of alphabet series. You first write the place values of the each alphabet. You have to write the place values of the each alphabet. Place value of A is 1, 4. 5, 8, 9 and 12. यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है हमारे पास. यहाँ पे पहले 1 आया, then 4, then 5, then 8, then 9, then 12. तो यहां से हमें कुछ ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर्टिकुलरली कि ये पैटर्न होगा. तो चलो हम क्या करते हैं, अभी इसका क्या करते हैं, डिफरेंट सीरीज निकालते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप सीरीज. तो हम क्या करेंगे, 1 and 4 का कितना है डिफरेंस, 3 डिफरेंस. 4 and 5 का क्या है, 1 difference. Then again 3 difference. Again 1 difference. Again 3 difference. And again क्या आएगा. अब मेरे को यहां से क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया. क्या आइडिया मिल गया है, पहले मेरे पास क्या हुआ, पहले 3 difference आया, फिर 1 आया, फिर 3 difference आया, then 1 आया, फिर 3. तो next क्या होगा, of course next होगा plus 1. ये सभी प्लस में है, ये सभी क्या है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे इस तरह से चलता जाएगा. तो 12 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13. नेक्स्ट क्या आएगा, 13. और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था मैं तेरा हीरो, ये ट्रिक बताई थी. तो इससे हम करेंगे M. M क्या हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा, ठीक है. यहां से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, M हुआ. इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट वी हैव रिटन द अल्फाबेट प्लेस वैल्यूज, सभी की हमने प्लेस वैल्यूज लिखी हैं. फिर हमें स्टार्टिंग में हमें कोई भी सीक्वेंस समझ में नहीं आया, फिर हमने क्या किया, इन सभी का डिफरेंस लिया. सभी का क्या लिया, डिफरेंस लिया. जब हमने डिफरेंस लिया तो हमारे पास सीरीज क्या बनी, 3 1 3 1 3. तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 होगा. तो 1 हमने 12 में ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड 1 इन 12 वी विल गेट 13. सो 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की होती है. तो ये तो आप सभी को याद होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज m. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन द अल्फाबेट्स a c f g. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है राइट डाउन द प्लेस वैल्यूज, 3 6. And J is 10. So हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, 1 3 6 10. यहाँ से ना तो ये कोई मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, ना ही कोई पर्टिकुलरली हमें इवन और कोई सीरीज दिखाई दे रही है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं समझ में ना, टेक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस. डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2 प्लस 3. और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, प्लस 4. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने प्लस 4 क्यों लिखा है. नेक्स्ट सीरीज में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो 10 में से माइनस 6 किया तो मेरे पास प्लस का 4 आया. तो यहाँ से मुझे पैटर्न मिला 2 3 4. तो नेक्स्ट ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, प्लस 5. और 10 में प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा. और हमको पता है 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 15 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो इज और टी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ. So O is the right answer. This is the right answer. Okay. So let's move to the question number 6. Question number 6 में हमारे पास pairs में दिए हुए हैं alphabets.
किस में दिए हुए हैं, पेयर्स में दिए हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट द प्लेस वैल्यूज, हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होने वाला है, वी विल राइट द प्लेस वैल्यूज। ओके, तो लिखिए प्लेस वैल्यू, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, जेड की कितनी होती है 26, जेड की कितनी होती है 26, एच की कितनी होती है 8, इसकी 20, और एन की 14 एंड 14, टी की होती है हमारे पास 20 एंड इसकी होती है 8। सो अभी हमारे पास क्या है, दो टू पेयर्स में हमारे पास अल्फाबेट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं, जैसे आपका बी हो गया, एच हो गया, एन हो गया एंड टी हो गया, इन सभी का हम देखेंगे क्या सीक्वेंस बन रही है। तो मैंने इन सभी का चेक किया, तो मेरे पास क्या आया, यहां से मैंने चेक किया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 और 8 में +7 का डिफरेंस है, और हमारे पास 8 एंड 14 में कितने का डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस है, एंड हमारे पास 14 एंड 14 में हमारे पास क्या डिफरेंस है, 14 एंड 14 में हमारे पास क्या डिफरेंस है, 1 एंड 8 में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास ये बी, सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक, बाय मिस्टेक क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, देखा, तो इसलिए ध्यान होना चाहिए, ये क्या होता है हमारे पास, 2 होती है इसकी प्लेस वैल्यू, क्या होती है, 2 प्लेस वैल्यू होती है। तो मेरे पास 2 एंड 6 का हमारे पास क्या आएगा, 2 एंड 6 का क्या आएगा हमारे पास डिफरेंस, 2 एंड 8 का डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा। तो 14 एंड 20 का कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो मेरे को यहां से एक सीक्वेंस मिल गई, यहां पे 6 6 6, इट मीन जो नेक्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट आएगा वो हमारे पास डिफरेंस कितने का आएगा, +6 का। इट मींस हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है, नेक्स्ट टर्म हमारा आने वाला है वो आपको बताना है, नेक्स्ट क्या आएगा, +6 करेंगे। इसमें 6 ऐड किया 8 आया, इसमें 6 ऐड किया 14 आया, इसमें 6 ऐड किया, तो यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना 26, कितना आ जाएगा, 26 और 20 में कितने का डिफरेंस है, हमारे पास 6 का डिफरेंस है। चलो, तो नेक्स्ट अल्फाबेट तो हमें पता चल गया, एक तो आएगा हमारे पास 26, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जेड की होती है, तो हमने एक तो जेड लिख दिया, ये किसकी होती है भाई, जेड की होती है, तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हमारे पास, चलो अब हम इसका चेक करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, हमारे पास इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 26 और 20 में -6 का। अच्छा, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी -6 का है, 14 माइनस 20 इज -6। ओके, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ऑफ कोर्स इसमें भी -6 का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, अब हम 8 में -6 कितना आएगा, मींस क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, हम आपके पास एक बच्चों को डाउट आता है कि मैम हमारे पास अगर अल्फाबेट्स फिनिश हो गए हैं और हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एच में से आप क्या करेंगे, ये आपको बताएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो हमारे पास एच में से कितना -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आने वाला है, -6 कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। और हमको पता है 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है, ये तो सबको ही पता होगा। सो राइट आंसर इज योर जेड एंड बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पता अच्छे से चल जाए, जेड एंड बी, दिस इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, पेयर्स में आ जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल सीरीज बन रही है, एक तो +6 की बन रही है, एक -6 की सीरीज बन रही है। तो जो पहले अल्फाबेट्स है उनमें क्या बन रही है, +6 की सीरीज बन रही है, और जो सेकेंड अल्फाबेट्स है सभी पेयर्स में वो हमारे पास -6 की बन रही है। तो फाइनली आंसर क्या आया, जेड एंड बी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास एच की क्या होती है 8, जी की क्या होती है 7, इसकी 11 11 15 16 ओके 20 22, ओके जेड की क्या होती है 26 एंड सी की होती है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यूज है, किस किस की प्लेस वैल्यूज है, जो भी अल्फाबेट्स हमें दिए गए हैं। तो अब मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसमें भी डबल सीरीज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट्स को चेक कर लेंगे, एच के ओ टी एंड जेड, इनमें क्या पैटर्न है, ये कैसे आ रहे हैं, इनको चेक करेंगे। 8 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 11 हो जाए, 3,
11 में कितना ऐड करें, ये 15 हो जाए भाई, 4 ऐड करेंगे, 15 में कितना ऐड करें, 20 आए, 5, 20 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास 26 आएगा। अब ऑफ कोर्स नेक्स्ट तो हमको पता चल गया है कि नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 अब क्या होने वाला है, 7 होने वाला है, तो 7 हमको पता है 26 के बाद, 7 हम 26 में 7 ऐड करें, 33 नहीं करना हमको, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स कहाँ तक होते हैं भाई, जेड तक होते हैं, 26 तक, तो हमें वापिस से क्या करना है, 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा, 1, 2, 3 ऐसे ए बी सी डी वापिस से शुरू हो जाएगी नंबर सीरीज में, अल्फाबेट सीरीज के अंदर। तो नेक्स्ट अल्फाबेट तो हमें पता चल गया कि जी आने वाला है, नेक्स्ट तो क्या आएगा है? पहला अल्फाबेट जी आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 7 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 11 आ जाए, 4, फिर उसके बाद हम कितना ऐड करें, 11 में 5 ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा, फिर 16 में कितना ऐड करें कि 22 आ जाए भाई, 6 ऐड करेंगे, फिर 22 में कितना ऐड करें कि 3 आएगा, और 3 हमको पता है सी होता है, मींस 22 में आप 4 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, जब 22 में आपने 4 ऐड किया तो कितना हुआ, 26, हमको तो ऐड करना है कितना, सीरीज यहां से मिल गई है 4, 5, 6, हमको ऐड करना है यहां पे 7, तो 4 ऐड किया तो 26 आया, और 3 और ऐड करना है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, 7 टोटल हो जाए, 3 और ऐड करेंगे तो ए बी सी, फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मींस 3 और ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, वापस से हमें काउंटिंग शुरू कर देनी है ए बी सी डी की। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ऑफ कोर्स हमारे पास यहां पे क्या आ गया, सी आ गया, इस तरह से इसमें लिखा है, तो फिर अब नेक्स्ट क्या आएगा, 3 में कितना ऐड करेंगे, 3 में यहां पे 4 ऐड हुआ, 5, 6, 7, अब क्या ऐड होने वाला है भाई, 8 ऐड होने वाला है। अब आप मुझे बताओ 3 में 8 ऐड करेंगे क्या आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा, इट मींस आपको पता चल गया कि यहां पे क्या आने वाला है, क्या आने वाला है हमारे पास, एक तो 11 किसकी होती है, के की प्लेस वैल्यू होती है, सो दिस इज द जीके, जीके इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जीके इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 7 and 11 ये पेयर बनेगा, और इस पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एम के से। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पास, क्या दिया हुआ, बी जे सी के, तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपना, प्लेस वैल्यूज लिख दो सभी की, इसकी क्या होती है, 2 होती है, क्या होती है, 2, 2, 10, 3, 11, 4, 12, अरे ये तो मुझे सीक्वेंस ही नजर आ रही है, देखते पता चल गया इसका, तो मुझे 2 के बाद क्या आया, 3, 3 के बाद क्या है, 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ऑफ कोर्स 5 आने वाला है, फिर यहां पे क्या हुआ है, 10 के बाद क्या आया, 11, 11 के बाद क्या है, 12, and 12 के बाद क्या आएगा, 13, it's a very easy question, तो इसको हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, भाई 5 किसकी होती है, भाई की होती है हमारे पास, की होती है, और 13 मैं फिर रही हूँ, EM is the right answer, इस question का right answer क्या हो गया, EN, तो ये तो बहुत easy question था। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बी की प्लेस वैल्यू क्या है, 2, डी की 4, जी की क्या है, 7, आई की 9, 12, 14, चलो अब सीक्वेंस देखते हैं, पहले अल्फाबेट्स की चेक करो कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, 2 के बाद 7 आया, 2 के बाद क्या आया, 7, इट मींस कितना ऐड किया है, कितना ऐड हुआ है हमारे यहाँ पे, प्लस 5 ऐड हुआ है 2 में, तब 7 आया है, 7 में कितना ऐड हुआ है भाई, यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ है तभी 12 आया, तो नेक्स्ट हमें पता चल गया कि 5 ऐड होने वाला है, तो क्या आएगा, 12 में 5 ऐड होगा तो कितना आएगा, 17, और हमको तो पता है 17 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है क्या है, क्वेश्चन खतरा 17, ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, तो क्या हो गया, पहला अल्फाबेट आपका क्यू आने वाला है। चलो नेक्स्ट स्टोर कर लेते हैं, नेक्स्ट में आपके पास 4 दिया, 4 से 9 कैसे हुआ, जब हमने 5 को ऐड किया, 9 से 14 कैसे हुआ, यहाँ पे भी 5 की ही सीक्वेंस चल रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 5 ऐड होने वाला है, जब 5 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
19, 14 में आप 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 19। अब आपको प्लेस वैल्यूज पता चल गई, तो अल्फाबेट्स आप क्यू की 17 होती है और 19 हमारे पास एस की होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्यू एंड एस। ओके, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम अगेन क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। प्लेस वैल्यूज लिखा, सी की क्या होती है 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16 and 17 and 19। चलो अब निकालो वापस से फर्स्ट टर्म्स को, देखो कैसे कैसे आए हैं। 3 से 6 कैसे हुआ भाई, 3 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 3 ऐड हुआ है। 6 से 12 कैसे हुआ है, 6 से 10 कैसे हुआ है, फर्स्ट अल्फाबेट भाई 4 ऐड हुआ है, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से 13 कैसे हुआ, प्लस 3 हुआ है। 13 से 17 कैसे हुआ है, प्लस 4 हुआ है। इट मींस मेरे को यहां से सीक्वेंस मिल गया, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या होने वाला नेक्स्ट, प्लस 3 होगा और प्लस 3 ऐड करेंगे 17 में, सबको पता है 20 होता है, 20 हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। चलो नेक्स्ट वो निकालो, सेकंड अल्फाबेट्स कैसे आ रहे हैं, 5 से 9 कैसे हुआ, जब हमने 4 को ऐड किया। ओके, 9 से 12 कैसे हुआ, जब हमने 3 को ऐड किया, वेरी इजी क्वेश्चन। 12 से 16 कैसे हुआ, जब हमने इसमें 4 को ऐड किया, और 16 से 19 कैसे आया, जब मैंने 3 ऐड किया। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या मिल रही है, 4 3 4 3, तो क्या होने वाला नेक्स्ट, इसमें भी क्या ऐड होगा भाई, प्लस 4 होगा, यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, तो 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23 होता है। अब हमको प्लेस वैल्यूज पता चल गई, तो अल्फाबेट्स तो हम निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने याद कर रखे टी फॉर 20 टी 20 एंड डब्ल्यू फॉर 23। सो आंसर इज, क्या हो गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया टी डब्ल्यू इज द राइट आंसर। आई होप अभी तक हमने देखो 4, 5, 6, 2, 6, 7 क्वेश्चंस हमने लगाए हैं यहाँ पे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, इनमें सभी में कुछ भी नहीं है, यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच अल्फाबेट एंड फाइंड द पैटर्न, और पैटर्न में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पहला अल्फाबेट उठा लो, पहले पेयर्स में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एवरी पेयर का फर्स्ट अल्फाबेट चेक करो कि कैसे आ रहा है, क्या सीक्वेंस है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ डिफरेंस ले लिया करो सीरीज का, तो बस ये तो सबसे इजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करने वाले हैं देख। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वी हैव गिवन, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए सी डी डी एच के 3-3 का पेयर दिया हुआ है, 3-3 अल्फाबेट्स का एक पेयर दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी की प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास जब 3-3 का आता है तो हम सभी सबसे पहले प्लेस वैल्यू 1, 3, 4, 4, 8, 11, ये टिप्स पे होनी चाहिए आपके प्लेस वैल्यू, तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। 14 and 19, 13, 21 and 2, 21 and 2, तो हम क्या करेंगे, चलो चेक करते हैं, 3-3 का पेयर है तो हम सबसे पहले पहले यहाँ पे पहले अल्फाबेट्स को चेक कर लो, यहाँ पे 1, 4, 8 and 13, चलो चेक करते हैं। 1 से 4 कैसे हुआ, जब हमने 3 को ऐड किया। 4 से 8 कैसे हुआ, जब हमने 4 को ऐड किया। 4 से 13 कैसे हुआ, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। 3, 4, 5, यहां से हमें एक सीक्वेंस मिल गई कि जो पहला अल्फाबेट आएगा वो 6 ऐड होके आएगा, मींस 13 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि नहीं चल गया, चल गया हमें। चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है फिर 8 है, तो 3 से 8 कैसे हुआ, 3 से 8 हुआ हमारे पास जब हमने 5 को ऐड किया। 8 से 14 कैसे हुआ, 8 से 14 हुआ जब हमने 6 को ऐड किया। ओके, 14 से 21 कैसे हुआ, जब हमने 7 को ऐड किया। इट मींस नेक्स्ट टर्म क्या ऐड होगी, नेक्स्ट टर्म ऐड होगी आपके पास प्लस 8। जब हम प्लस 8 करेंगे 21 में, 21 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा,
21 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, जेड तक हो गया, लेकिन ऐड कितना करना है हमको 8 ऐड करना, मीन्स 3 और ऐड करना पड़ेगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 के बाद ए आता है, बी आता है, सी आता है, 3 और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, चलो मैं ऊपर की तरफ कर देती हूँ ये वाला। 4 से 11 कैसे हुआ, 4 से 11 हुआ जब हमने 7 को ऐड किया, ठीक है। अच्छा 11 से 19 कैसे हुआ, जब हमने 8 को ऐड किया, और 19 से 2 कैसे हुआ, ऑफ कोर्स 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, इट मींस 7 वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9, जब 1 ऐड किया तो हमने क्या किया 20 हो गया, और 6 और ऐड कर दो, और 6 के बाद हमारे पास 2 और ऐड करना है, तो टोटल कितने हो गए 8 वैल्यूज होगी, 8 वैल्यूज, 8 यहाँ से हो गई और 1 हमने पहले ही ऐड कर दिया था, तो यहाँ से क्या आ गया B आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 10 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 9 के बाद क्या आता है 10, जब 2 में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, क्या आएगा 12, तो आपके पास यहाँ से क्या बन गया आंसर, आपके पास यहाँ से आंसर बन गया, क्या बन गया देखो 19 क्या होता है S, C 3 होता है, और 12 क्या होता है L, तो SCL इज द राइट आंसर, SCL इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज FLDJPHNTL, तो हम इसको करते हैं, तो चलो ये हमारे पास प्लेस वैल्यू लिख दिए 6, 12, 4 एंड 10, 16 एंड 8, 14, 20 एंड 12। चलो पहले अल्फाबेट्स को चेक करो क्या क्या ऐड हो रहा है, पहले अल्फाबेट्स को चेक किया, 6 से 10 कैसे हुआ जब हमने 4 को ऐड किया, 10 से 14 कैसे हुआ, सभी में सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत बस फर्स्ट अल्फाबेट का देख लो, प्लस 4 ऐड करेंगे, 14 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 18। तो चलो अब नेक्स्ट को निकालते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड अल्फाबेट्स को चेक करते हैं, 12 से 16 कैसे हुआ जब हमने 4 को ऐड किया, 16 से 20 कैसे हुआ जब हमने अगेन 4 को ऐड किया, और 20 में 4 ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे मैम ये तो 24 होने वाला है, तो मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो यस 24 होगा। चलो नेक्स्ट अल्फाबेट और चेक कर लो, नेक्स्ट अल्फाबेट को चेक करूंगी, 4 से 8 कैसे हुआ जब मैंने 4 को ऐड किया, ठीक है, 8 से 12 कैसे हुआ जब मैंने अगेन 4 को ऐड किया, फिर मैं ऑफकोर्स मुझे यहाँ से पैटर्न मिल गया 4 4 अगेन 4 ऐड होगा, 4 ऐड होगा तो क्या आएगा 4 ऐड होगा, 4 ऐड होगा तो क्या आएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है 16 आने वाला है, 12 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, तो लिख दो इनकी प्लेस वैल्यूज जो 18 24 16। अब लिखो इनका अल्फाबेट्स, 18 क्या होता है R, 18 क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, 18 R, R, 24 क्या होता है X, 16 क्या होता है P, तो मम्मी ने हमारे 15-16 थप्पड़ से सिखाया था ना, तो आंसर क्या आ गया R X P is the right answer। Let's move to the next question, this is the M N, 13, 14, 15, 12, 18, 9, 22। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे 13, 14, 15 कंटिन्यूशन चला, फिर डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ, तो ऐसे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। चलो ऑल्टरनेट को चेक कर लो, 13 से 15 कैसे हुआ जब प्लस 2 ऐड किया, 15 से 18 कैसे हुआ जब प्लस 3 ऐड किया, और 18 से 22 कब हुआ जब हमने 4 को ऐड किया, तो नेक्स्ट ऑफकोर्स क्या होगा 5 ऐड होने वाला है, और 5 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27 तो हो नहीं सकता है, ऑफकोर्स क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 4 ऐड करेंगे तो आपका 26 तक पहुंच जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। चलो अब इसको चेक करते हैं, 14 से हमारे पास 12 कैसे हुआ जब हमारे पास क्या हुआ माइनस 2 हुआ, 12 से 3 कैसे हुआ जब माइनस 3 हुआ, और 9 से नेक्स्ट क्या आने वाला है 9 से कितना सब्ट्रैक्ट, जब यहाँ पे माइनस 2 हुआ माइनस 3, अब क्या होने वाला है माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा माइनस 4, 9 में से 4 गया क्या आएगा भाई 5 आएगा, 5 क्या होता है अपना यहाँ पे हमने लिख दिया, तो चलो अब हमें क्या करना है, अगर पेयर पूछता तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे तो सिंपल एक पूछा है तो हम क्या करेंगे सिंपल ए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, आपसे नेक्स्ट टर्म भी पूछता तो आप ए एंड ई भी बता सकते हैं, तो ये हमारे पास
राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का. क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया ए. ए इज द राइट आंसर. तो इसने हमारे पास देखो ऑल्टरनेट टर्म्स चली थी, ऑल्टरनेट ये किया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया. तो इसके बाद क्या आएगा? ये क्या है हमारे पास, इसके बाद क्या आएगा? ऑल्टरनेट चल रहा है, मींस इसको छोड़ के हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? फाइव. तो ए एंड ई हम लिख सकते हैं अगर पेयर में पूछता है हमसे. तो अगर सिंगल पूछता है तो हम क्या करेंगे? चलो सिंगल वाला भी बता देती हूँ मैं आपसे. सिंगल वाला सपोज इसने पूछा हमारे पास इसके जस्ट बाद क्या आएगा, तो मैंने क्या किया, सभी टर्म्स ऑल्टरनेट चल रही है, ये ए, फिर ये, फिर एक छोड़ा, फिर यहाँ पे आया, फिर एक छोड़ा ये आया. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक छोड़ के नेक्स्ट टर्म आने वाली, यहाँ पे एक टर्म आएगी और फिर क्या आएगा हमारे पास, एक और टर्म आने वाली है. तो पता चल गया हमें. तो क्या आएगा यहाँ से? 13, 15 के बाद 18 के बाद 22 और नेक्स्ट अपना क्या आ गया 1 and 5. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा ई. तो आपको समझ में आ गया होगा. चलो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हमारे पास? हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है x, x का क्या है 24, g का क्या है 7, c का क्या है 3, 21, 8, 5, 16, 9 and 8. चलो पैटर्न चेक करते हैं. 24 से 21 कैसे हुआ? जब हमने क्या किया, माइनस 3 किया. ओके, 21 से 16 कैसे हुआ? जब हमने 5 को माइनस किया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करना है, माइनस 3, 5, 7 माइनस होगा. सभी क्या है, ओड नंबर्स हैं. 3, 5, 7, 7, 16 में 7 गया तो आपका यहाँ क्या आएगा, 9 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्या है, 7, 7 है, 8 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10. भाई यहाँ पे 7 है सेकेंड अल्फाबेट, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई, 10 होने वाला है. वेरी इजी था ये तो. ये क्या है हमारे पास, थर्ड वाला अल्फाबेट चेक कर लो. 3 से 5 कैसे हुआ, जब हमने 2 ऐड किया. 5 से 8 कैसे हुआ, जब हमने 3 को ऐड किया. तो नेक्स्ट ऑफ कोर्स हमें पता है 3 के बाद 2, 3. अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये क्या होते हैं हमारे पास, 2, 3 प्राइम नंबर्स होते हैं. क्या ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, 3 के बाद क्या आएगा, 2, 3, 5. तो 5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा. 5, 8 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13 आ जाएगा. दूसरा इसका ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि 13 आता है यहाँ पे या फिर 2, 3, 4 भी हो सकता है. ऐड 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं तो हमने अपना 5 ऐड किया. तो यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है. तो एक तो क्या हो सकता है 9, 10, 13, या फिर क्या हो सकता है 9, या फिर हो सकता है 9, 10 और 4 ऐड करेंगे, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12. एक ये वाला हो सकता है. तो चलो लिख दो, 9 क्या होता है आई, 10 क्या होता है जे, और हमारे पास आई जे, और यहाँ से क्या 13 क्या होता है एम. मैं तेरा आई जे एम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई जे एम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आई जे एम. तो चलो क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं, चलो हम देखते हैं. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है हमारे पास. क्या हो सकता है आई, इसका क्या हो जाएगा आई जे एल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और में लिख दिया है मैंने, दोनों हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करेगा. चलो मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, कंजेस्टेड हो गया, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को ऊपर वाले को रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर क्लियर दिखे कि क्या किया है मैम ने. ठीक है, लेट्स रब इट, हमने रब कर दिया है. तो मेरे पास ये क्वेश्चन था और इसको मैंने सॉल्व कर दिया है. ठीक है, तो बाकी इनको मैं रब कर देती हूँ. ताकि हमारे बोर्ड एकदम क्लीन क्लीन रहे. जब चीजें क्लीन रहती हैं तो अच्छा दिखता है, अपीयरेंस अच्छा रहता है. तो दो आंसर हो सकते हैं आई जे एम और आई जे एल, दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास डब्ल्यू वाई क्या होता है 25, 23, 21, 19, 17. अब हमें दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए, देखो 25 के बाद क्या हुआ, माइनस 2 हुआ, फिर से माइनस 2 हुआ है, फिर 21, फिर से
से माइनस दो हुआ है, फिर माइनस टू हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे भी माइनस टू होगा और फिर यहाँ पे भी माइनस टू होने वाला। 17 में से माइनस टू गया 15 और 15 में से माइनस टू गया 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है भाई, 15 और 13 किसकी होती है, ओ एंड एम, सो ओ एम आर द राइट आंसर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 16। आई एम रबिंग दीज क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस को रब कर रही हूँ सो दैट क्लैरिटी रहे, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। सो ये हमारे पास क्या दिया है, R, ये दिया हुआ है R, तो लिखो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यूज लिखो 1, 26, 24, 2 and 22 and 23 and 18। तो यहां से तो देखो कोई वो नहीं मिल रहा है, पहले 1 हुआ फिर 26 हुआ फिर 24 हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास 2 हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इट मींस हम कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। इस ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी, इट मीन दो टर्म छोड़ेंगे हमारे पास, दो दो टर्म्स का गैप है, तो एक ये टर्म छोड़ेंगे एक ये टर्म छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स डी आने वाला है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका डी, क्या आ जाएगा डी, कि इसमें एक ऐड हुआ फिर से एक ऐड हुआ फिर से एक ऐड हुआ और दो दो का गैप है, तो हमने ऐसे किया। अब हमारे पास 26 से, 26 से क्या हो रहा है 22 से 18, मींस इसमें से हमने क्या किया, 26 में से 4 किया माइनस तो मेरे पास 22 आ गया, 22 में से 4 माइनस किया तो 18 आ गया, इट मींस ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, दो टर्म्स को छोड़ के आएगा, फिर यहाँ पे क्या आया, दो टर्म्स को छोड़ा फिर ये आया, इट मींस इन दो टर्म्स को छोड़ के यहाँ पे आया, ये तो हमसे पूछा नहीं है, ये तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है हमसे, ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, तो चलो 24 से 20 कैसे हुआ, जब माइनस 4 किया और यहाँ पे क्या आएगा, दो छोड़ गए भाई माइनस 4 करेंगे 16 में से 20 में से, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 16 हमें पता है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हमारे पास होती है P की, सो P एंड D आर द राइट आंसर्स। P एंड D, दो मिसिंग टर्म्स थी हमारी, वो उनका आंसर्स क्या हो गया है P एंड D, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 पे हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया 26, 12, 24, 10, 22, 8, 20 and 6, और दो टर्म्स फिर से पूछी हुई है हमसे, दो टर्म्स फिर से पूछी हुई है, तो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, दो टर्म्स फिर से पूछी हुई है, चलो देखते हैं 26 से 24 फिर ऑल्टरनेट, इट मींस देखो ये पैटर्न मिल गया, ऐसे फिर ऐसे और फिर ये टी था, फिर ऐसे और फिर हमारे पास हमने एक ही ऑल्टरनेट किया था, इट मींस एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, माइनस टू किया, यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस टू चल रहा है सभी में, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, 20 में से माइनस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, 18 किसकी होती है, 18 होती है हमारे पास आर की वैल्यू। अब नेक्स्ट निकालो, L से क्या हो गया, 12 से 10 कैसे हुआ माइनस टू, 10 से 8 कैसे हुआ माइनस टू, 8 से 6 कैसे हुआ माइनस टू, इट मीन 6 में से माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 आएगा, 4 किसकी होती है भाई D की होती है, तो R एंड D इज द राइट आंसर, R एंड D इज द राइट आंसर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का R एंड D इज द राइट आंसर, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। तो अब चेक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को, चेक करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, ठीक है, 26, 19, 23, 15, 20, 11, 17 and 7, और ये हमें चाहिए दोनों, ये हमें निकालने हैं, तो देखो 26 से 23 कैसे हुआ माइनस 3, 23 से 20 कैसे हो गया अगेन माइनस 3, 20 से 17 कैसे है माइनस 3, तो 17 में से हमारे पास एक टर्म छोड़ के आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 17 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 14, क्या आ जाएगा 14। चलो नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, 19 में से 15 कैसे हुआ भाई माइनस 4 हुआ, 15 से 11 कैसे हुआ अगेन माइनस 4, 11 में से 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7,
और 7 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 3 आएगा। और हमको पता है 3 किसकी होती है, 3 होती है हमारे पास C की और 14 होती है N की। So N and C is the right answer of this question। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपना बेस्ट किया, आप सभी अपने यू प्रैक्टिस एट योर होम ऑल क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व ऑन द बोर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, वी विल डू अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।